अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ को इंक्रीज़ किया जाए ताकि जितने भी हमारे वर्ड्स हैं वो एक लाइन में आ जाएं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास जो यहाँ पे बॉक्स आएगा वो बॉक्स प्री डिज़ाइंड है, ठीक है, यानी कि ये सिस्टमेटिक है, प्री डिज़ाइंड है, मेरे सामने आ गया। अब इसकी लेंथ को कैसे इंक्रीज़ करना है? सबसे पहले तो मुझे कुछ इतना लंबा लिखना होगा जो कि 2 से 3 लाइन के अंदर मेरे पास आए। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया है जो कि मेरे पास 3 लाइन के अंदर आ रहा है। अब मुझे करना है कि इसको एक लाइन के अंदर लेकर आना है। अगर मैं इस टेक्स्ट के ऊपर अभी टैप करूँगा तो मेरे पास आउटलाइन ओपन हो जाएगी। गौर कीजिएगा उस आउटलाइन पे क्या नज़र आ रहा है। अब जब मैंने इस पर टैप किया है तो आउटलाइन है, यानी आउटलाइन आ रही है। आउटलाइन के साथ मुझे 4 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि 4 सर्कुलर सॉर्ट ऑफ सर्कुलर शेप्स हैं, और राइट हैंड साइड पर एक सिलेंडर शेप है दोनों डॉट्स के बीच में, ये वाली शेप, ये शेप है। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो इससे लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है टेक्स्ट बॉक्स की। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, मैं पहले इसको सेंटर में ले आया। अगर अब मैं इसको राइट हैंड साइड से इस सिलेंडर को ड्रैग करूँगा तो लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये लेंथ इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं टेक्स्ट का साइज़ कम कर दूँगा, टेक्स्ट का साइज़ कम हो गया, ठीक है। अब जो मेरा टेक्स्ट है वो सारा का सारा एक लाइन के अंदर आ गया है। इस तरीके से हम टेक्स्ट को एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं। दोबारा देख लीजिएगा, टैप किया तो मेरे पास 4 डॉट्स ओपन हो गए। अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ अभी तो देखिएगा, अब वो सिलेंडर शेप ये मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई। ये सिलेंडर शेप, ये जो वाइट रंग की सिलेंडर शेप है, अगर आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप जो है अपनी लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स की। मैं इसे दोबारा ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरे टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ इंक्रीज़ हो गई। अगर कैनवस छोटा है तो आपको अपने टेक्स्ट का साइज़ छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि कैनवस छोटा है इस वजह से मैंने साइज़ छोटा कर दिया, ठीक है जी। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं।